मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूं। काफी बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि जिनको बार 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 एक ही विचार आते रहता है। उनके वो कैरेक्टर का, उनके वो पर्सनैलिटी का एक पार्ट ही है समझ के चलो, और वो इतने वो विचार से इतने वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनको काम करना भी कठिन हो जाता है। ऐसा कि एक योग मेरे पास में आया, उसको विचार आते हैं कि भगवान ने मुझे बनाया क्यों, भगवान ने मेरे को जन्म क्यों दिया, फिर भगवान के जो फोटो है उसके ऊपर मैं अभी पेशाब कर लेता हूं क्योंकि उसने मेरे को जन्म दिया। उसको मालूम है कि ये थॉट बेकार के, उसको ये भी मालूम है कि वो भगवान के फोटो के ऊपर वो पेशाब करने वाला है नहीं, मगर उसको बार बार वो थॉट अभी आते रहते हैं। कुछ लोगों को ये थॉट आते हैं कि भाई मैं यदि 3 बार ताला चेक ना करूं तो घर में चोरी हो जाएगी, या रात को 3 बार बोल्ट दरवाजा चेक ना करूं, दरवाजे का बोल्ट, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ लोग चलने के समय जो टाइल्स का जो जॉइंट रहता है वो टाइल्स के जॉइंट को अवॉइड करते करते चलते हैं, ताकि उनको लगता है कि टाइल के जॉइंट के ऊपर मैंने पैर रख दिया तो कुछ तो भी खराब हो जाएगा। कुछ लोग बार 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 हाथ धोते रहते हैं और वो हाथ धोते ऐसा उनको लगता है कि अपना हाथ खराब हो गया। एक अभी योग मेरे पास में आया था, उसको बार बार ऐसे विचार आते हैं कि अपने खुद का लेटरिन मतलब मोशन संडास खाना, वो विचार उसको आते हैं। उसको ये मालूम है कि वो खाने वाला है नहीं, पर उसको इतने बार बार वो विचार सताते रहते हैं कि अभी मैंने संडास खाने, संडास खा लेना, कि मेरी मैं संडास खा लूंगा, ऐसे विचार उसको आते, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मेरा शरीर बहुत गंदा हो गया, मैंने नहाना चाहिए, तो वो इतनी बार नहाते रहते हैं और 2-4 बार 8-10-15-20 बार नहाएंगे, फिर जब ज़्यादा हो जाता है तो वो 3 बार नहाएंगे और बोलेंगे मैंने 1 बार नहाया, और ऐसे 3 बार नहाएंगे। एक जो था लड़का, उसको ऐसी आदत थी कि वो पूछता था अभी कितना टाइम हो गया, फिर उसको बताया कि हाँ अभी 5 बज गए, बोले नहीं अच्छा ठीक है 5 बज गए ओके हरकत नहीं, फिर पूछेगा अभी कितना टाइम हो गया, फिर उसको बताना पता नहीं अभी 5 बज गए, फिर पूछेगा नहीं अभी कितना टाइम हो गया, ऐसा मतलब इस तरह का वो बार बार टाइम पूछने की उसको आदत है। कुछ लोगों को भगवान को नमस्कार करने की आदत है, बार बार जाके भगवान के फोटो के सामने नमस्ते करेंगे। कुछ लोगों का ऐसा है कि नहीं मंदिर में जाओ दर्शन लो, कुछ लोगों का ऐसा है कि हाथ बार 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 इतने धोना है कि हाथ एकदम सफ़ेद हो जाते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमने कपड़े धोने का है तो कपड़े धोते हैं वो बार 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 बार, कपड़े धोने के बाद में पानी से निकालना और निकालने के बाद में वैसी की वैसी रस्सी के ऊपर डाल देना, ताकि जहाँ हाथ लग गया है वो एरिया भी फिर पानी से जो टपक रहा है पानी नीचे उससे भी वो साफ हो जाएगा, और फिर वैसे वो कपड़े सुखाना। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं घर में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसने नहा के अंदर आना, बाथ लेके आना, या पैर धो के आना, या उन्होंने कहीं हाथ लगाने का नहीं, मतलब उनको ये ऐसे विचार आते रहते हैं और वो विचारों के ऊपर वो कभी काम करते रहते हैं। और कुछ लोगों को मैजिकल थिंकिंग होता है, ऐसे कुछ तो भी अनसन विचार आते कि जो उनको मालूम है विचारों को कोई अर्थ नहीं है, मतलब बार 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 कुछ ना कुछ विचार आएंगे। समझो उन्होंने एक आधा पिक्चर देख लिया, सिनेमा देख लिया, बस उसके विचार बार बार आएंगे। किसने उनको कुछ बोल दिया, अच्छा बोलो या गलत बोलो या बुरा बोलो, बस वही विचार उनको बार बार आएंगे, उसने बोला क्यों, बोला क्यों, बोला क्यों, बोला क्यों, ऐसा आएंगे। तो ये रिपीटेड थॉट्स है, ये रिपीटेड थॉट्स एक तो वो कम मात्रा में दे रहे तो चल जाता है, क्योंकि कम मात्रा में दे रहे तो ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि वो चेक करते बार बार तो गलतियां बिल्कुल ये लोगों के हाथ से होंगे नहीं। तो ऐसा बोलते हैं कि जो ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी जो है, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी या परफेक्शनिस्टिक जो लोग हैं वो कुछ लेवल तक अच्छे हैं, कुछ लेवल तक उनका काम भी अच्छा होता है, उनका काम नीट एंड क्लीन होगा, उनकी वस्तुएं सब जगह जगह पे बराबर टाइम पे मतलब मिल जाएंगी, उनका घर भी एकदम साफ सुथरा रहेगा, घर में कोई काड़ी कचरा नहीं रहेगा, एकदम मस्त मस्त रहेगा एकदम बिल्कुल, तो कुछ हद तक बहुत ही अच्छा है। मगर जब इसकी हद पार हो जाती है, जब ये खुद को भी तकलीफ उससे उनको होती है और लोगों को भी तकलीफ वो करवाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें उनका इलाज यदि उनकी इच्छा है तो हो सकता है, उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब एक प्रकार की वो साइकोथेरेपी मानसोपचार है। फिर हम साइकोथेरेपी करते हैं अलग अलग प्रकार की, उनको हिप्नोथेरेपी करवाते हैं, उनको बिहेवियर थेरेपी करवाते हैं, कुछ मेडिसिन है उनको मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ,
और ये बीमारी बहुत कोशिश करके, मतलब बहुत एफर्ट्स करके अच्छी हो सकती है। तो काफी लोगों को ये समस्या हो सकती है। आप अबे आपके आसपास यदि कोई लोग ऐसे होंगे तो जरूर ये लोगों के साथ में वीडियो शेयर कीजिएगा, और उनको ये वीडियो देख के मालूम पड़ेगा इन्हें हमको अपने को समस्या है, तो कहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वर्कशॉप रहती है, एनएलपी टेक्निक्स की वर्कशॉप रहती है, एनएलपी की न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उसकी वर्कशॉप रहती है, हिप्नोथेरेपी की वर्कशॉप रहती है, वो वर्कशॉप में वो आ सकते हैं और अपनी समस्या से वो ठीक हो सकते हैं। सो ये जरूर लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।